हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो गाइस देखिए, आज हमारा जो टॉपिक है वो है अल्फाबेट टेस्ट का, और इसका पार्ट वन है वो हमने इससे पहले वाली क्लास में कर चुके थे। तो उसमें हमने सीखा था कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यदि किसी भी स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आप पहले उस वीडियो को देखिए, फिर आपको ये सब समझ में आएगा। और अल्फाबेट टेस्ट की यदि हम बात करते हैं तो अल्फाबेट टेस्ट आपको इस जो टॉपिक में जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो आपको तभी समझ में आएंगे, तब आपको जो अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू है वो आपको अच्छे से याद होंगी। यानी कि आपको पता होना चाहिए, यदि मैं आपसे पूछूं कि पी कितने नंबर पे आता है, यानी 16 पे आता है, डब्ल्यू कितने बार 23 पे आता है, तो इस तरीके से आपको याद होना चाहिए। और मैंने एक वीडियो बनाई थी जो कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाने से पहले जो पार्ट वन था, वो वीडियो आप देखोगे तो उसमें मैंने अच्छे से प्लेस वैल्यू को विथ ट्रिक्स याद करवाया है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप उन वीडियो को देखोगे तो अच्छे से इसको कर पाओगे। ठीक है, तो चलते हैं विदाउट टाइम वेस्ट करें आज के टॉपिक पे। आज हम करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस जो एग्जाम में इस वाले टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो हम थोड़े डिफरेंस टाइप के क्वेश्चंस पूछेंगे कि कोई भी क्वेश्चन हमारा छूटना नहीं चाहिए, और हर टाइप के क्वेश्चंस करेंगे तो हम हमारे एग्जाम में किसी भी क्वेश्चंस को स्किप नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, और देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, और एसएससी में और पटवार में तो ये टाइप के क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पे बताती हूँ कि आप में इसमें नेक्स्ट जो पद है वो यहाँ पे पूछा गया है, और यहाँ पे देखिए दे रखा है एम एन ओ एल आर आई और वी, और इसमें नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि बताइए इसका नेक्स्ट क्या होगा। ठीक है, तो आपको फाइंड आउट करना है कि इसका नेक्स्ट क्या होगा, और काफी इजी है कि इसका नेक्स्ट क्या होगा। ठीक है, तो यहां भी देखिए कर क्या रखा है। यदि आपको अल्फाबेट प्लेस वैल्यू अच्छे से याद होती है तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। देखिए यहाँ पे दे रखा है कि एम है वो अपना कितने पे आता है, 13 पे आता है, एन 14 पे आता है, ओ 15 पे आता है, एल अपना कितने पे आता है भाई, 12 पे आता है। ठीक है, आर अपना 18 पे आता है, और आई 9 पे आता है, वी 22 पे आता है, और यहाँ पे क्या आएगा। यानी देखा जाए तो जैसे कि कोई भी नंबर सीरीज होती है, लेकिन यहाँ पे अल्फाबेट टेस्ट करा जा रहा है आपका, और अल्फाबेट जो टेस्ट आपको तभी आएंगे तब आपको ये सब याद होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको याद होगा कि जो एम है उसका उल्टा एन होता है, यानी कि हमने किससे याद किया था, मैन से याद किया था। ठीक है, इसका अपोजिट ये और इसका अपोजिट ये। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे करते हैं तो ओ का अपोजिट एल होता है, ओ का अपोजिट क्या होता है, एल होता है, और एल का अपोजिट क्या होता है, ओ होता है। याद हमने कैसे किया था आपको, लव से किया था, और इसको लोइन से किया था, एल ओ आई एन लोइन से किया था, और हमने इसको लव से किया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है आर आई, यानी आर का जो अपोजिट है वो आई होता है, और आई का अपोजिट क्या होता है, आर होता है। ठीक है, अब हमने याद कैसे किया था कि आई आर यानी इंडियन रेलवे से हमने इसको याद किया था। ठीक है, अब वी आपके पास है, और वी का यहाँ पे आपको अपोजिट बताना है, तो वी का अपोजिट क्या होता है, यदि आपको याद होगा तो आप अच्छे से बताओगे वी का अपोजिट क्या होता है, ई होता है। ठीक है, और ई का अपोजिट क्या होता है, ये वी होता है। और याद कैसे किया था, इवनिंग से हमने इसको याद किया था, या ई वन नंबर से हमने इसको याद किया था, ई वन नंबर से या इवनिंग से हमने इसको याद किया था। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, और जो भी ये ट्रिक है उसको भी आप नोट कर लीजिए, ताकि आप इस टाइप के क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाओगे। अब इस तरीके से काफी डिफरेंस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपको पता ही होना चाहिए, यदि आपको पता नहीं होगा एग्जाम में आता है तो आप इनको फाइंड ही नहीं कर पाओगे। क्योंकि फाइंड इसलिए नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि भाई इसमें पूछा क्या जा रहा है, कौन सी सीरीज बन रही है यहाँ पे, 13, 14, 15 बाद डायरेक्ट 12, उसके बाद 18 बाद डायरेक्ट 9, और यहाँ पे 22 के बाद क्या आएगा। ठीक है, ऑप्शन इस तरीके से आओगे आएंगे कि आप उनमें कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो अब चलते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं कि अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। तो देखिए स्क्रीन पे आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि बताइए कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर व्युत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 20वें एवं बाएं से 21वें अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा। यानी राइट साइड से 20वां पूछा गया है कि यानी कि राइट साइड से कौन सा है, 20वां है,
लेफ्ट साइड से कौन सा है, 21वां है। ठीक है, अब हमें एक टाइप से करना है, या तो इसको राइट में चेंज करना पड़ेगा या इसको लेफ्ट में करना पड़ेगा। अब स्टार्टिंग में राइट से पूछा गया तो इसको हम राइट में चेंज कर लेते हैं। राइट में चेंज करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो एल है उसका अपोजिट है वो क्या होगा। नहीं सॉरी, यहाँ पे 21 किस नंबर पे आता है, यहाँ पे यू पे आता है। ठीक, और 20 कितने पे आता है, टी पे आता है। ये तो लेफ्ट है ना भाई, ये राइट है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ये लेफ्ट है, ये राइट है, और 21 है ये यू पे आता है। ठीक है, और लेफ्ट को हम चेंज करेंगे तो हमने किस तरीके से इसको याद किया था, जो यू है 21। तो देखिए, याद करने का और निकालने की एक ट्रिक मैंने और बताई थी कि आप 27 में से 21 को आप लेस कर दोगे तो इसका जो अपोजिट लेटर वो आ जाएगा। तो 27 में से हम 21 लेस करते हैं तो कितने आता है, 6 आता है। और 6 कितने नंबर पे आता है, एफ। और यू का उल्टा क्या होता है, एफ, और एफ का उल्टा क्या होता है, यू होता है। यानी कि हमने याद कैसे किया था, फ्यू से हमने इसको याद किया था, फ्यू से हमने इसको याद किया था। ठीक है, फ्यू से। ओके, तो अब यहां पे देखिए ये 6 नंबर पे आ गया। ओके, अब हमने जो ठीक मिडल नंबर बताना है, देखिए ठीक मिड में क्या आएगा, तो उसके हमने क्या किया था कि इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो 20+6 को ऐड कर देंगे, दो से हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो 26 को हमने दो से डिवाइड किया, और दो से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे 13, और 13 पे क्या आता है, आप सबको पता है 13 पे क्या आता है, एम आता है, और एम अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि किस किस टाइप के और क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज कोई भी क्वेश्चंस को हम छोड़ेंगे नहीं, तो टाइम लग जाए, और सभी टाइप के क्वेश्चंस हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, आपके पास स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, उसमें दे रखा है कि हैंड कर्चिप एक वर्ड है। ठीक है, एच ए एन डी हैंड, के ई आर कर, सी एच आई ई एफ। ठीक, आपके पास ये वर्ड है, इस वर्ड में आपसे पूछा गया है कि शब्द के पहले अक्षर का सातवें अक्षर के स्थान पे बदल दिया जाता है, और इसी प्रकार देखिए फर्स्ट को यहाँ पे 7 नंबर पे बदला जा रहा है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे फर्स्ट को 7 नंबर पे बदला जा रहा है, और सेकंड को 8th नंबर पे यहाँ पे बदला जा रहा है। उसके बाद इसी प्रकार क्रम से छठे अक्षर को 12वें पे, छठे को 12वें पे यहाँ पे चेंज कर दिया। तो बताइए कि सातवें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा। तो बताइए बाएं से सातवें अक्षर, यानी कि इस तरफ से बाएं से सातवें अक्षर के दाएं से, यानी कि दाएं से थर्ड अक्षर क्या होगा। ठीक है, ये यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि यहाँ पे बताया गया है कि फर्स्ट वाले अक्षर को 7 की जगह पे यहाँ पे रिप्लेस किया जा रहा है। ठीक है, इसको रिप्लेस किया जा रहा है, ओके। तो यहाँ पे देखिए इसको रिप्लेस, पहले सबसे पहले इसको रिप्लेस करेंगे। देखिए 1 को यहाँ पे 7 की जगह रिप्लेस किया जा रहा है, यानी कि देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी यहाँ पे R होना चाहिए और यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, H होना चाहिए। ठीक है, अब सेकंड को इससे किया है तो यानी यहाँ पे C होना चाहिए, यहाँ पे A होना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार करते जाना आगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे H है तो H के जगह पे यहाँ पे देखिए H आना चाहिए और यहाँ पे N आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए I की जगह यहाँ पे I आना चाहिए और यहाँ पे D जाना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे E आना चाहिए और E की जगह यहाँ पे K आना चाहिए, और यहाँ पे F आना चाहिए और यहाँ पे क्या जाना चाहिए, E आना चाहिए। तो ये अपना इसके जो रिप्लेस कर दिया हमने। अब यहाँ पे पूछा गया है कि बताइए जो लेफ्ट साइड से 7 और राइट साइड से 3 कितना हो, मतलब कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि देखिए कि बाएं से सातवें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो बाएं और दाएं पूछा गया है, यहाँ पे लेफ्ट और राइट पूछा गया है, लेफ्ट और राइट पूछा जाता है, हम दोनों को ऐड कर देते हैं। तो लेफ्ट से 7 और यहाँ पे राइट से 3, तो कितना होगा, 10। अब हमें लेफ्ट साइड से 10 नंबर पे चेक करना है कि कौन सा होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि D है वो 10 नंबर पे है लेफ्ट साइड से। ठीक है, तो D हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आगे। तो स्क्रीन पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन से हो गया होगा, क्वेश्चन नंबर 4 है आज का,
और क्वेश्चन नंबर फोर में आपसे पूछा गया है कि बताइए आपके पास एक वर्ड है कम्युनिकेशन, ठीक है, आपके पास एक वर्ड है कम्युनिकेशन, ठीक है, और इसको आपको सोल्व करना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है फटाफट, फिर हम इसको सोल्व करते हैं। कम्युनिकेशन, CATIONS, ठीक है, ये एक वर्ड है और इस वर्ड में पूछा गया है कि पहले और दूसरे, तीसरे और चौथे, पांचवे और छठे तथा इसी प्रकार अन्य अक्षरों को भी आपस में रिप्लेस यानी परस्पर बदल दिया जाए तो अपने दाएं से काउंट करने पर दसवां अक्षर कौन सा होगा। यानी कि इसमें कहा गया है कि फर्स्ट को सेकंड से, फर्स्ट को सेकंड से, यानी ऐसे किया है फर्स्ट को सेकंड से, और यहाँ पे थर्ड को फोर्थ से, और फोर्थ यानी कि फिफ्थ को सिक्स से, इस तरीके से, ठीक है, यहाँ दो दो का जॉइंट लेना है और इनको आपस में परस्पर रिप्लेस करना है, टी ए ओ आई और एस और ए, ठीक है। अब इसमें पूछा गया है कि राइट साइड से दसवें नंबर पर कौन सा अक्षर होगा, तो राइट साइड यहां से देखिए ये अपना क्या होता है, लेफ्ट साइड होता है, ठीक है, और ये अपना क्या होता है, राइट साइड होता है, ये अपना क्या होता है, राइट, तो राइट साइड में यहां से काउंट करेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि जो n है वो अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, n है वो अपना 10 नंबर पे है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते, देखिए कितने इजी क्वेश्चन है, तो आप क्यों छोड़ोगे इन क्वेश्चन को, आप अच्छे से यहां से पढ़ के जाओगे तो कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। देखिए वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक तो जरूर कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि सभी स्टूडेंट अच्छे से अपने हर एक टॉपिक को कवर करके जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आपकी स्क्रीन पे है और यहाँ पे है कि आपके पास ये पूछा गया है कि बी एम ओ आपके पास एक वर्ड है, और फिर इसके बाद है ई ओ क्यू, उसके बाद है एच क्यू एस, और यहाँ पे ये नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे, और इसका आंसर क्या होगा, सबसे पहले इसमें ढूंढिए कि इसमें क्या पूछा क्या जा रहा है, उसमें क्या किस तरीके की सीरीज आगे चल रही है, ठीक है, तो यहाँ पे फाइंड कीजिए, यहाँ पे देखिए ये 2 नंबर पे आता है, ये 13 पे आता है, ये 15 पे आता है, उसके बाद ये आता है 5 पे, और ये आता है 15 पे, ये आता है 17 पे, ये आता है आपके 8 नंबर, फिर 17, और ये आता है आपका 19, ठीक है। तो यहां से आपको समझ में आ रहा है कि देखिए यहाँ पे 13 15, फिर यहाँ पे 15 17, फिर यहाँ पे 17 19, यहाँ पे यानी 90 और 21 आना चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं 2 और 5 में कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे 3 का डिफरेंस करते हैं यानी कि 3 इसमें और ऐड करते हैं तो कितने आते हैं, 8 और 3 कितने होते हैं, 11 होते हैं, 11 नंबर पे क्या आता है, के यानी 11, तो यहाँ पे देखिए के आएगा, यहाँ पे 19 पे क्या आता है, एस आता है, और 21 पे क्या आता है, यू, यानी ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन में आपके सामने यही है, और देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, और जल्दी से इसका सोल्व कीजिए और इसका आंसर आप इसका कमेंट बॉक्स में फटाफट दीजिए। क्वेश्चन आपके पास, यहाँ पे आपके पास एक वर्ड है, ठीक है, आपके पास एक वर्ड है क्रिएशन, सी आर ई ए टी आई ओ एन, ठीक है, ये क्रिएशन आपके पास वर्ड है, उसमें पूछा गया है कि इस क्रिएशन में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक आरंभ से शब्द में उतनी ही दूरी पर है जितने की वर्णानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध किए जाने पर होते हैं, ठीक है, तो इसमें पूछा गया है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस बैंक में क्वेश्चंस डेफिनेटली आता है, इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो पटवार में भी आते हैं, एसएससी में भी आते हैं, तो हमें एक भी क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है, सभी टाइप के क्वेश्चंस करना है, प्रैक्टिस आपको करनी होगी तो प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहां से आप अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपके सामने वर्ड है क्रिएशन, अब क्रिएशन वर्ड में आपको बताना है कि बताइए क्रिएशन वर्ड को यदि हम इसी तरीके से काउंट करते हैं तो अंग्रेजी वर्णमाला में, इसमें देखिए आपके सामने स्क्रीन पे है और इसमें पूछा गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में भी ये उतने ही वर्णानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध किए जाने पर होते हैं, ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से करोगे। देखिए जो अपना सी है वो कहाँ पे आता है, 3 पे आता है, आर 18 पे आता है, ई अपना कितने पे आता है, 5 पे, ए 1 पे, टी 20 पे,
आई 9 पे, ये 15 और ये एन कितने पे आता है 14। तो आपको किस तरीके से काउंट करना है, देखिए 3 4 5 इस तरीके से करना है, 3 4 5। देखिए एक ये बन गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए 5 6 7 8 9 10 नहीं बन रहा है, इसके बाद 18 19 20 21 24 नहीं बन रहा है, फिर यहाँ पे आते 5 6 7 8 9 10 नहीं हो रहा है, यहाँ पे 20 के बाद भी नहीं बन रहा है, 9 के बाद भी 15 यहाँ पे भी नहीं बन रहा है, ठीक है। उसके बाद इस तरीके से, यानी कि एक बार हमें सिंपल तरीके से यहाँ पे काउंट करना है, फिर इसके अपोजिट डायरेक्शन में इसको काउंट करना है। देखिए यहाँ पे 14 15, यानी कि एक ही अपना बन रहा है, 14 15 16 17 18 19 20 21 नहीं बन रहा है, उसके बाद यहाँ पे भी नहीं बन रहा है, 9 10 11 12 13 14 नहीं बन रहा है, 1 2 3 4 नहीं बन रहा, यानी कि यहाँ पे दो अपने ऐसे जो बन रहे हैं, जो वर्ड है, जो कि अंग्रेजी वर्णमाला में भी इसी तरीके से कर्मानुसार आते हैं और अपने इस क्वेश्चन में भी इसी तरीके से है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो काफी इजी हैं, एक बार समझ में आ जाता है तो आप उसको अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने, देखिए आपके सामने एक वर्ड है, आपके सामने देखिए इस तरीके क्वेश्चन पटवार में काफी पूछे जाते हैं, और लास्ट ईयर के जो पेपर हुआ था उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए आपके पास ये एक क्वेश्चन है, डी एच एल पी टी एक्स और बी एफ जे, ठीक है, और यहाँ पे इसका नेक्स्ट पद यहाँ पे पूछा गया है, नेक्स्ट पद यहाँ पे बताना है। तो देखिए इसमें फाइंड कीजिए इसका नेक्स्ट पद है, वो यहाँ पे बताइए कि इसका जो नेक्स्ट पद है वो क्या होगा। अब यहाँ पे मैंने बताया था कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इनको आप काउंट कर लीजिए, डी 4 पे आता है, एच 8 पे आता है, ये 12 पे आता है, पी 16 पे आता है, टी 20 पे आता है, और ये 24 पे आता है, बी आता है आपका 2 पे, और ये 6, और ये आता है आपका 10 पे, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए कौन सी क्या सीरीज बन रही है, ठीक है, यहाँ पे देखिए इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, मुझे लगता है इसके आगे वाले जो वर्ड होगा उसका एक अलग कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन ये बन रहा है, यहाँ पे 4 और 4 प्लस 4 कितने हो रहे हैं 8, और प्लस 4 कितने हो रहे हैं 8, यहाँ पे 16 प्लस 4 और इस प्लस 4, यानी ये डिफरेंस चल रहा है, 2 प्लस 4 6 हो गए, और 6 प्लस 4 कितने हो गए 10 हो गए। तो डिफरेंस ऐसा ही होना चाहिए जिसमें प्लस 4 प्लस 4, ऑप्शन में आपको दिख रहा है कि सारे ऑप्शन में प्लस 4 प्लस 4 है, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, ठीक है। तो उसको हमें किस तरीके से फाइंड आउट करना है, अब इन दोनों का डिफरेंस देखिए, इन दोनों का डिफरेंस देखिए, 4 का और 16 का, तो यहाँ पे 12 का डिफरेंस है, 8 का और इसका करते हैं तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 12 का, ठीक है, और यहाँ पे इन दोनों का कितने का डिफरेंस है 12 का, ठीक है। इसी तरीके से इनका भी 12 का डिफरेंस होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे बी है, और यहाँ पे देखिए आप यदि इसमें 10 ऐड करते हैं तो 12 का डिफरेंस होगा, और 10 ऐड करने के बाद यहाँ पे क्या आएगा, जे आना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे क्या आना चाहिए आपका, जे आना चाहिए, पी और बी, और यहाँ पे देखिए नहीं, यहाँ पे जे कैसे आएगा, तो डिफरेंस चल रहा है ना, यहाँ पे देखिए डी का और यहाँ पे 16 में से 4 दे दो, अब यहाँ पे ऐसा नंबर आना चाहिए कि जिसमें से 2 जाएंगे तो यहाँ पे 12 होंगे, तो यानी कि एन आना चाहिए, एन कितने पे आता है 14 पे आता है, और 14 में से 2 गया तो 12 आया, ठीक है। इसी तरीके से इसमें भी इतने का डिफरेंस आना चाहिए, और इस तरीके से इसमें से भी इतने का डिफरेंस आना चाहिए, आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे किस में से लेस करेंगे 6 की, यहाँ पे 12 का डिफरेंस आए, ठीक है, यानी कि आर, और किस में से डिफरेंस करें 10 की, यहाँ पे क्या है 12 का डिफरेंस आए, यानी कि वी। तो ये जो एन आर वी है ये अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, दिखने में बहुत इजी होते हैं, लेकिन एक बार आप सीख जाओगे तो एग्जाम में आपके माइंड में खुद बे खुद अलग अलग ट्रिक आएंगे घूमगे, और कोई ना कोई ट्रिक ऐसी आपके दिमाग में फिट हो जाएगी कि आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, और स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है, यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में है आपके पास बी जेड ए, उसके बाद है डी वाई सी एफ एक्स ई, और यहाँ पे आपको बताना है, और यहाँ पे जे वी आई एक वर्ड दिया हुआ है, ठीक है, और आपको इसका बताना है, और इसका आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में दें, और इसका आंसर क्या होगा वो हम फाइंड आउट करते हैं।
ठीक है, यहाँ पे देखिए डिफरेंसेस की बात करते हैं, ये 2 पे आता है, ये 26 पे आता है और ये 1 पे आता है। ये किस पे आता है? ये 4, 25 और 3, ये 6, 5 और 24, ये फिर किस पे आएगा? देखिए यहाँ पे देखिए एक सीरीज चल रही है 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि 5, 6 हो गया यहाँ पे, तो 7, 8, यानी कि यहाँ पे क्या होगा 7, यहाँ पे क्या होगा 8, और यहाँ पे देखिए 24, 25, 26, यानी कि 23 यहाँ पे आएगा। अब देखिए 7 पे क्या आता है? जी आता है, और 23 पे क्या आता है? डब्ल्यू, और जो अपना 8 है वो कितने पे आता है? एच पे आता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को करना है जो कि आपके पास 2 सेकंड में आप इसको सोल्व कर लो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने है। आपके सामने एक वर्ड है मैथमेटिक्स, ठीक है, आपके सामने एक वर्ड है मैथमेटिक, MATHMEATICS, ठीक है, आपके पास ये वर्ड है मैथमेटिक्स, ठीक है। और इसमें पूछा गया है कि इस वर्ड में अक्षरों के ऐसे युग्म कितने हैं जिसमें प्रत्येक के बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, ठीक है। यह आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो मैंने अभी बताया था इसी टाइप के क्वेश्चंस, और आपको फाइंड आउट किस तरीके से करना है, या तो आप इसको इस तरीके से काम कर सकते हो कि M N O P Q, या इजी पढ़ते हैं यहाँ पे 13 नंबरिंग दे दीजिए 1, 20, यहाँ पे 8, 13, 5, 1, 20, और यहाँ पे I 9 पे C 3 और 19, ठीक है। अब इसको काउंट कर लीजिए आप अच्छे से 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, एक ही आपका 20 में बन गया, 20, 21 नहीं हो रहा है, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5 आपका एक ये बन गया है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, ये बन गया आपका 6, 7, 8, 9, 10 नहीं बन रहा है। उसके बाद देखिए 20, 21 नहीं होएगा, ठीक है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 नहीं हो रहा है, ठीक है, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं हो रहा है, 20 आगे भी नहीं होगा। अब यहां से देखिए 19, 20, 21, 22, 23 ऐसा कुछ भी नहीं है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 नहीं हो रहा है, ओके। यहां पे देखिए 20 से भी नहीं हो रहा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं हो रहा है, 13, 14, 15, 16, ओके, ये भी यहां पे नहीं हो रहा है। यहां पे यानी कि यहां पे दो ऐसे वर्ड बन रहे हैं जो कि अंग्रेजी वर्णमाला में भी उतने ही अक्षर इनके बीच में होता है जितने की इस वाले वर्ड में है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप सोल्व करिए फटाफट, फिर हम करते हैं। क्वेश्चन में आपके पास पूछा गया है कि बताइए आपके पास एक वर्ड है बी, नहीं ये शायद ये क्वेश्चन आपका हो चुका है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में 22 से 18 अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला यानी कि 26 तक, 1, 2, 1, 2, 26 यानी A 2 Z की यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। और यहाँ पूछा गया कि अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट साइड से यानी बाय लेफ्ट से 18, ठीक है, 18th, और यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड से ही 7वां क्या होगा, ठीक है, ये पूछा गया। अब लेफ्ट लेफ्ट यहां से पूछा गया है, तो लेफ्ट लेफ्ट में अपन क्या करते हैं, इनको क्या करते हैं, लेफ्ट लेफ्ट में ऐड करते हैं, ठीक है, लेफ्ट लेफ्ट में सॉरी ऐड नहीं करते, इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो लेफ्ट और राइट होता है तो उनको क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं, लेकिन लेफ्ट लेफ्ट और राइट और राइट आता है, उनको क्या करते हैं, लेस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 18 में से आप क्या करोगे, 7 को लेस कर दोगे, तो 18 में से 7 गया तो क्या हो गया अपने पास, 11 हो गया, 11 नंबर पे क्या आता है के, तो के अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फटाफट एक क्वेश्चन और कर लेते हैं और क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन में आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए अंग्रेजी वर्णमाला के, वही क्वेश्चन में पूछा गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो A टू Z के बीच में पूछा गया है कि जो लेफ्ट में यानी लेफ्ट से 8वें और राइट से 10वां अक्षर कौन सा होगा, लेफ्ट से 8वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर क्या होगा, ये पूछा गया है। तो राइट और लेफ्ट है,
और राइट और लेफ्ट को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, यानी 10 प्लस 8 को हम क्या कर ले, ऐड कर दें, क्या हो जाएगा 18, और 18 कितने पे आता है, R पे आता है, तो R अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आज की क्लास में क्या सीखा है कि टोटल जो अल्फाबेट है वो हमारा यहाँ पे चैप्टर होता है फिनिश। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तो होप सो आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो काफी इजी है। वो इजी कब है, जब आपको अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू आपको याद होती है, ठीक है, तब आपको ये अच्छे से क्वेश्चंस को आप कर पाओगे। तो जो भी क्वेश्चंस की टाइप थी वो मैंने सभी टाइप आपके सामने मैंने करवा चुकी हूँ, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, बैंक का हो, या फिर यूपीएसआई, या फिर आपके पास पटवार का हो, राजस्थान एसआई, हरियाणा एसआई, तो अल्फाबेट टेस्ट से आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, यदि आपने अच्छे से अपनी प्लेस वैल्यू को याद कर लेते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना, और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना, क्योंकि एग्जाम आ रहा है, थोड़ा सा भी आप छोड़ देंगे तो आपकी कंटिन्यूटी छूट जाएगी। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो और 2021 में आप अपनी जो ले लें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना और पढ़ाई को कंटिन्यू रखना। बाय बाय, टेक केयर।